शोक के मामलों में भारत के ऐसे ऐसे राजा रहे हैं जिनके शोक के आगे अंग्रेजों के शोक कुछ भी नहीं थे। ऐसे ही अलवर के एक महाराजा थे जयसिंह प्रभाकर। वो बहुत ही साधारण इंसान थे। 1920 में वो लंदन घूमने गए। लंदन जाते ही उन्होंने लंदन की सैर शुरू कर दी। वो गुजर रहे थे एक शोरूम के बाहर से जिसका नाम था रोल्स रॉयस। तो उन्होंने ख्याल किया कि क्यों ना यहाँ से एक कार खरीद ली जाए और वो शोरूम के अंदर चले गए। वो बहुत ही साधारण वेश में थे, ना तो उनके पास राजा की कोई पोशाक थी, ना जेवर जेवरात और ना ही साथ में कोई नौकर चाकर। तो वहाँ पर जो एक सेल्समैन थे उन्होंने राजा को देखा और सोचा ये तो कोई गरीब भारतीय है। राजा ने जैसे ही कार के बारे में कुछ पूछना चाहा, सेल्समैन ने सोचा कि ये तो सिर्फ कार देखने आया होगा और उन्होंने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। राजा को बहुत बुरा लगा लेकिन वो चुपचाप वहाँ से लौट गए। और होटल पे लौटते ही उन्होंने सोचा कि इस अपमान का बदला तो अपमान से ही लिया जाएगा। उन्होंने अपने नौकरों के साथ शोरूम में संदेश पहुँचा दिया कि अलवर के महाराजा एक कार खरीदना चाहते हैं। फिर क्या था, शोरूम में ये खबर पहुँचते ही शोरूम के मालिक ने उनके स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछवा दिया और पूरे शोरूम को फूलों से सजवा दिया। फिर क्या था, अगले दिन जैसे ही महाराजा आए तो सब लोगों ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और राजा ने शोरूम की सबसे महंगी 7 गाड़ियों का ऑर्डर दिया और कैश पेमेंट की और बोला कि ये सारी गाड़ियाँ मेरे राजमहल में पहुँचा दी जाए और साथ में उस घमंडी सेल्समैन को भी। फिर क्या था, महाराजा लौटे अपने भारत और उन 7 के 7 गाड़ियों को उन्होंने नगर पालिका में दे दिया भारत का कचरा उठवाने के लिए। अब ये तो पूरे विश्व में ये बात इतनी तेजी से फैल गई कि जिस जिस इंसान के पास वो रोल्स रॉयस की महंगी गाड़ियाँ थी अब वो यह सोचने लग गए कि जिस गाड़ी में भारत का कचरा उठता है वो गाड़ी हम क्यों रखें। और देखते ही देखते रोल्स रॉयस की मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो गई। फिर क्या था, रोल्स रॉयस के मालिक ने भारत में राजा को खत लिखा और माफी मांगी कि महाराजा हमें माफ कीजिए लेकिन आप अपनी ये गाड़ियाँ नगर पालिका से हटवा दीजिए। फिर क्या था, उन्होंने कहा कि हम इसके बदले आप लोगों को 6 नई गाड़ियाँ भी दे देंगे बेशक। लेकिन राजा ने हंसते हुए सिर्फ एक ही बात उनसे कही कि मुझे बदले में 6 गाड़ियाँ नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों की जो यह गलत धारणा थी कि लोगों को उसके वस्त्र से आप लोग जज कर रहे थे, मैं सिर्फ उसको बदलना चाहता था। एक इंसान कैसी भी वेश में क्यों ना हो उसको सम्मान देना चाहिए। राजा की यह बात रोल्स रॉयस को बहुत अच्छे से समझ में आई और उन्होंने माफी मांगते हुए राजा से कहा कि आगे से यह गलती कभी नहीं होगी। और राजा ने सारी गाड़ियां नगर पालिका से हटवा दी और इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। लेकिन मैं इस कहानी के जरिए आप लोगों को कुछ बातें समझाना चाहती थी, कुछ खास बातें। हम अक्सर लोगों को देखकर जज कर लेते हैं कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, या तो ये यहाँ से रहता है, ये छोटा है। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। इंसान को उसके वेशभूषा या फिर उसके बोलने के तरीके से जज नहीं करना चाहिए। सही मायने में बदला लेना इसे कहते हैं। मैं इस कहानी के जरिए सिर्फ आप लोगों को एक छोटी सी बात समझाना चाहती थी कि अक्सर हम लोगों को देखकर अपने मन में धारणा बना लेते हैं कि यह इंसान अच्छा है या बुरा है, जबकि यह काम हमें उसके व्यवहार से परिचित होने के बाद ही करना चाहिए, बल्कि करना तो तब भी नहीं चाहिए क्योंकि हर इंसान अपने आप में पूर्ण है, सही है। अक्सर एक बहुत अच्छा दिखने वाला इंसान कई बार ऐसे काम कर जाता है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं लगा कर चलते, और बहुत बार ऐसा हो जाता है जिन लोगों से हमें उम्मीद नहीं होती हमारी दुख की घड़ी में वो हमारा साथ इस तरीके से देते हैं जैसे बरसों से कोई हमारे अपने हो। तो लोगों को देखकर जज करना बंद कीजिए।